जो हो चुका है उसकी स्मृति करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उस समय की पोजीशन ऐसी थी कि इतनी छोटी दशा में था कि हम एक दिन भी सामय करना भी वहाँ मुश्किल था, क्योंकि इतना छोटा स्थान था, इतनी सारी पब्लिक थी। तो अनुकूलता को न देखते हुए उस समय ये निर्मल सदन नहीं था, 94 निर्मल सदन नहीं था। जैन भवन भी नहीं था, मात्र एक छोटा सा मंदिर गली में था, वही था। तो उन परिस्थितियाँ थी और बहुत सारे उसमें वास्तु दोष थे, बहुत सारे दोष थे। लेकिन अब समय ऐसी पोजीशन नहीं थी कि तुम इस प्रकार की मेरी जल्दी बात मान जाते और मैं भी जल्दी बात मनवा लेता। तो आज अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, जो मंदिर बन रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बस इतनी कमी है कि छिपी टोला के योग आज भी वो स्थान छोटा है। जो छिपी टोला की समाज है ना, बहुत बड़ी समाज, लोग कह रहे हैं धीरे धीरे छिपी टोला खाली हो रहा है। कितना ही खाली करना, अभी 100-200 साल तक तो छिपी टोला। वाह, जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि मैन मार्केट है, मैन स्थान है। ठीक है, धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, लेकिन छिपी टोला का तो स्थान बनता तो बहुत। आज सुबह भी कहा था ना हमने कि स्थान ठीक है, बन रहा है, प्राचीन स्थान प्राचीन रह जाता और नया क्षेत्र अपना जो टार है उसमें विशाल जनालय बनता। चिंता मत करो सतीश जी, हमने एक संकेत किया था, साधु को गौर से सुना करो, बीच में एक बाक छोड़ देता है। वो मंदिर तो बनना ही चाहिए, क्योंकि प्राचीन स्थान है, बहुत इतने सालों से रहा है, उसमें प्राचीनता कायम रहना चाहिए। मंदिर तो वहीं स्थापित होना चाहिए और मंदिर तो वो ठीक बन रहा है, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन यदि कोई चुपचाप मेरे कान में कह जाए कि महाराज पूरा मंदिर मैं बनाऊंगा कितना बड़ा, तो आज भी टाल में मंदिर बन सकता है। इसको गौण करके नहीं, ये तो बन रहा है, सो बनेगा, बहुत शानदार बनेगा, तैयारी चल रही है, एक दो दिन में आपके सामने कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन एक स्थान, लेकिन अब ये देखो समाज से चंदा चिट्ठा पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आता, मैं तो थोक व्यापारी हूँ। ये चंदा चिट्ठा करना कि चलो ये मंदिर में सब लोग चंदा करो चंदा करो, मैं तो वो चाहता हूँ एक सेट बनाए और जैसे ही बन जाए और वो समाज को सौंप दे, मंदिर समाज का हो जाए।